हेलो केंचो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल वडक्कम धवल खत्री और आप देख रहे मेरे यूट्यूब आर्ट चैनल यूनिक धवल खत्री। फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे दो और चैनल ब्लॉग चैनल और एनजीओ चैनल, ब्लॉग चैनल का नाम है केडी अजनियो धवल खत्री और एनजीओ चैनल यूनिक आर्टिस्ट फाउंडेशन की, दोनों की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो अगर आप लोगों ने वो विजिट नहीं किया तो जल्दी से विजिट कीजिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ Give a big thumbs up and do subscribe. Thank you so much. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2021 जैसे आया था वैसे ही जल्दी जल्दी चला गया, तो इस साल जितना भी मैंने वर्क किया, चाहे वो कमीशन वर्क हो या किसी सेलिब्रिटी का वर्क हो या चाहे कोई भी वर्क हो, आर्ट वर्क, पेंसिल वर्क, ऑयल कैनवास, जो भी वर्क हो वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। लेकिन मैंने ऐसे तो बहुत सारे वर्क किए तो मैं सभी तो डिस्प्ले नहीं कर सकता, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो भी वर्क अच्छा लगा है वो मैंने सिलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर करने का प्लानिंग किया और इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ यही जो मेरे बेस्ट 2021 के वर्क है। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो वर्क है उसकी बात करेंगे। जो वर्क है मैंने बनाया था ये वर्क सबसे पहले बात करेंगे हम सबके बहुत ही चाहिए सुपरस्टार, रॉकिंग स्टार, यस डेफिनेटली दिस इज द यस केजीएफ जो मूवी आ रही है उनकी, केजीएफ चैप्टर 2, उनका मैंने एक पेंसिल स्केच बनाया है। तो ये बहुत ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये जो स्केच है वो मैंने उनके जन्मदिन पर बनाया था, यानी कि 8 जनवरी को, और मेरा भी बर्थडे 8 जनवरी को ही आता है। तो ये वर्क आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो ये वर्क मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्क, और नेक्स्ट वर्क है यस ये वर्क है साउथ के अनदर सुपरस्टार एक्टर डी बॉस, जिनका एक मूवी आया था और वो मूवी के पोस्टर के हिसाब से मैंने उनका स्केच बनाया था। और ये आई थिंक मैं जल्दी से उनसे भी मुलाकात होने वाली है, ये हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त अखिलेश जी ने रिकमेंड किया था, तो उनके लिए मैंने ये पोर्ट्रेट बनाया था डी बॉस का, और ये स्केच भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो ये स्केच भी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्केच। आगे का जो स्केच है ये स्केच है मेरी बहुत ही फेवरेट एक्टर्स जिनका बर्थडे जनवरी में ही आता है, यानी कि उनका नाम है जिनका गालों में दोनों साइड डिंपल पड़ते हैं, और ये जो है प्रीति जिंटा जिनका चाइल्डहुड पिक्चर है, उनकी बचपन की तस्वीर है, वो मैंने ट्राई किया था। यही स्केच मैंने उनके भी बर्थडे पर बनाया था और ट्राई किया था कि उनके तक पहुँचे, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि अभी तक उन्होंने देखा नहीं है। तो प्लीज़ अगर शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ से शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि स्केच कैसा लगा आपका आपको। और देखते हैं नेक्स्ट स्केच। ये स्केच है मेरे एक कमीशन वर्क मुझे मिला था, ये भी मेरा एक अच्छा दोस्त है उसने मुझे दिया था कमीशन वर्क। तो ये वर्क भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की थी। आप देख सकते हैं कि कान में जो झुमके हैं, फिर जो ड्रेस का डिज़ाइन है, हेयर का डिटेल्स है, तो वो मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया था कि जितना हो सके मैं डिटेल में करूँ। तो ये भी बहुत अच्छा लगा था मुझे वर्क। तो ये भी कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। और नेक्स्ट वर्क देखते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी तस्वीर, ये भी कमीशन वर्क है और ये भी हमारे गुजरात से मुझे कमीशन वर्क मिला था। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो इसमें बारीकी डिटेल्स छोटी छोटी, जो गले में मंगलसूत्र है, फिर वो हेयर है, बिंदी है, नोज रिंग है, साड़ी की जो डिटेल्स है, तो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। तो इसके लिए भी कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा था। ओके, और नेक्स्ट वर्क है ये तो इनको कौन नहीं जानता। इनका बहुत ही मैंने कोशिश किया था कि मैं जितना हो सके डिटेल्स में जाऊं, लेकिन उस टाइम पे शायद मुझे याद है कि विराट कोहली का जब
इंस्टाग्राम पे कुछ 100 मिलियंस हो गया था कंप्लीट, 100 या 150 कंप्लीट हो गया था उस टाइम पे। मैंने ये उनको ट्रिब्यूट दिया था, इंस्टाग्राम पे भी मैंने डाला हुआ है, और कोशिश की थी कि मैं इनका हो सके उतना डिटेल्स में करूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत जल्दबाजी में मैंने बना दिया था। तो आई होप कि जो 2.0 आने वाला है मेरा, उसमें मैं और ज़्यादा इससे भी बेहतर डिटेल्स कर सकूँ। तो प्लीज़ इसे भी कमेंट करके बताना कि कैसा लगा विराट कोहली का स्केच। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्केच। ओ हो, यस, मैं इनको, इनका नाम जरूर है रश्मिका मंदाना, और आई थिंक ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ये फेमस होने लगे हैं, इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके। और ये मेरे बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस है, वन ऑफ द, क्योंकि इसलिए नहीं कि ये बहुत क्यूट है, बस इनकी एक मैंने मूवी देख ली थी, आई थिंक डियर कॉमरेड, यस, उसके बाद मैं फैन बन चुका था। तो रश्मिका मंदाना जी, आई लव यू सो मच, एंड मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और ये मैंने उनके बर्थडे पर स्केच बनाया था, तो इसमें भी मैंने बहुत कोशिश की थी कि पूरा मैं डिटेल्स में जा सकूँ, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी स्केच। तो मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि मैं पूरा 100% या उससे ज़्यादा मैं दे पाऊँ। तो प्लीज़ इसे भी बताइए कैसा लगा था। हाँ, और वन ऑफ द मोस्ट थिंग के रश्मिका मंदाना ने उनके ट्विटर इंस्टाग्राम पे मुझे ये मेरा स्केच शेयर किया था, और मुझे डीएम करके भी थैंक यू सो मच कहा था। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन रश्मिका मैम, और मैं रश्मिका मैम को रश्मिका मैम बुला करके, रश्मिका मैम कह के बुलाता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट स्केच है, देखते हैं नेक्स्ट स्केच। यस, दिस इज द वन मोर एक्ट्रेस फ्रॉम साउथ इंडस्ट्री, निशा मिलाना। ये भी मेरे प्यारे दोस्त अखिलेश ने रिकमेंड किया था, इनके बर्थडे ऊपर हमने ट्रिब्यूट दिया था। तो ये स्केच भी मुझे बहुत प्यारा लगा कि जिस तरह का इनका डिटेल्स है, जो कान में झुमके हैं, हेयर डिटेल्स है, स्किन टेक्सचर है, आइज का जो छोटा छोटा डिटेल्स है, तो ये सारी ऑल ओवर करके बहुत ही अच्छा प्यारा और बना था स्केच। तो मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा था। तो इसे भी कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा आपके हिसाब से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्केच। ओ हो, ये इनको तो कौन नहीं जानता, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुके हैं आज के दौर में जी। सोनू सूद सर का मैंने पेंटिंग बनाया था, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सबको पता है, मैंने कई बार शेयर किया है कि मैं उनके घर गया था, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया था। फिर वो जब अहमदाबाद आए थे, एक शो इवेंट हुआ था, उसमें मुझे सामने से बुलाया था। तो ये ऑयल पेंटिंग मैंने उनके उनको गिफ्ट में दिया था, पर्सनली मैं उनको मिला था। तो सोनू सूद सर का जो एक बिहेवियर है, जो ऑरा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्री माइंड के हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स दिया था। आई थिंक वी ऑल लव यू सोनू सूद सर, जो भी आप काम कर रहे हो, भगवान आपको बहुत खुश रखे, हेल्थी रखे, और आई लव यू सोनू सूद सर। तो ये उनका मैंने वॉल पेंटिंग बनाया था, तो प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट स्केच। यस, दिस इज़ द अखिलेश, जिनकी मैं हर बार बात करता रहता हूँ। ये भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, ये भी साउथ से ही है, तो काफ़ी टाइम से मिलने का प्लान कर रहे थे, तो एक बार अहमदाबाद आ चुके हैं। हाँ, हालांकि उनका मैं व्लॉग अभी बनाना बाकी है, तो मैं जल्दी से व्लॉग भी बनाऊंगा। तो इनका मैंने स्केच बर्थडे पर उनको सरप्राइज दिया था, तो जो इनका भी स्केच में डिटेल्स है, मैंने पूरा ट्राई किया था कि मैं उन्हें पूरा कोशिश कर सकूँ कि बहुत अच्छा, अच्छी तरह से पूरी जो डिटेल्स है वो मैं ला सकूँ स्केच में। तो प्लीज़ इसे भी कमेंट करके बताइए, और अखिलेश ब्रो लव यू। ओके, नेक्स्ट स्केच है, यस, हम सबके और खास करके मेरे बहुत ही फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया, यस, हम सबके भाई सलमान भाई, दिस इज द मूवी ऑफ अंतिम। यस, उनकी जब ये अंतिम मूवी रिलीज हुई थी, तब ये मैंने उनका जो मूवी पोस्टर है तो बनाया था। तो इनमें भी मैंने ये स्केच में पूरी कोशिश की थी कि जो पूरी डिटेल्स आप देख सकते हो, पगड़ी है, गले में जो पेंडल है, गोलिया है, हाथ में जो रेती है,
उनका ब्लैक शर्ट, आईज, खास करके दाढ़ी, मूछ, जो भी पूरा डिटेल्स है मैंने पूरा कोशिश किया था, लेकिन मुझे इसमें भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं पूरा डिटेल्स नहीं दे पाया, कुछ ना कुछ बाकी रह गया। बट ऑल ओवर एकदम मस्त बनाए, बहुत अच्छा बनाए मेरे हिसाब से। लेकिन आप लोगों को ये स्केच कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आई थिंक मेरा तो बहुत ही फेवरेट है, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे जो भी फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, यार सलमान सर तक पहुँचा दो। मैं उनको आई थिंक तीन से चार बार मिलने का ट्राई किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी न किसी वजह से नहीं मिल पाए। तो प्लीज़ ये स्टोरी शुरू हुई थी 2011 से, तब से मैं वेट कर रहा हूँ। तो सलमान सर, अगर आपने मुझे मेरा वर्क देखा तो प्लीज़ मैं आपको भी एक पोर्ट्रेट देना चाहता हूँ गिफ्ट में। तो प्लीज़ अगर आपने ये मेरा वर्क देखा है तो प्लीज़ मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वी लव यू सलमान सर। ओके, दिस इज़ द मेरे कुछ बेस्ट वर्क मैंने सिलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर किया, और आप लोगों को कैसा लगा ये मेरे 2021 के जो बेस्ट वर्क मेरे हिसाब से है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोगों को मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं मेरा 2.0 यानी कि एक नेक्स्ट लेवल का कुछ अपडेटेड वर्जन लेके आ रहा हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें एक नेक्स्ट लेवल ऊपर किया जाए, और बहुत अच्छी और डिटेलिंग बहुत अच्छी और डिटेलिंग की जाए जो भी मैं वर्क करता हूँ, पेंसिल स्केच, ऑयल पेंटिंग। तो जल्दी से मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वर्जन में 2.0 के साथ, और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। लेकिन अगर आप लोगों ने, मैंने जैसे बताया था, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी यूट्यूब आर्ट चैनल, और बाकी की जो मेरी दो चैनल है उसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे भी विजिट करके सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन बी हैप्पी एंड बी यूनिक। थैंक यू सो मच।